हाय फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करने के दौरान वो बहुत गर्म क्यों हो जाता है। तो फ्रेंड, स्मार्टफोन जो हीटिंग होता है उसका कई सारे रीज़न है। उनमें से एक है प्रोसेसर और दूसरा है बैटरी। और भी स्मार्टफोन में ऐसा बहुत सारे कंपोनेंट है जो कुछ रीज़न के वजह से यहाँ पर गर्म हो जाता है। तो फ्रेंड, एक स्मार्टफोन जब स्टैंड बाई मोड पर रहता है तो उसका जो टेम्परेचर लगभग 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन जब भी आप कोई भी हैवी काम करते हो या आप मल्टीटास्क करते हो, जो प्रोसेसर है बहुत स्पीड से काम करने लग जाता है। इसके वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होता है। जैसा कि समझ लीजिए, आप एक गेमिंग कर रहे हो, तो फ्रेंड जब भी आप गेमिंग करते हो तो गेम एक हार्ड काम है। तो फ्रेंड, ज़्यादा देर तक गेमिंग करने से क्या होता है कि जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे हीट जनरेट करता है। इसके अलावा आप मल्टीटास्क करते हो, समझ लीजिए आपको गेम भी खेलना है, आपको यूट्यूब भी देखना है और डाउनलोड भी करना है। तो फ्रेंड, जब भी आप ऐसा बहुत सारे मल्टीटास्क करते हो तो प्रोसेसर यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे काम करना लग जाता है, जिसके वजह से आपका हीटिंग जनरेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 43 डिग्री से लेके यहाँ पे 47 डिग्री तक सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो पहुँच गया। तो फ्रेंड, इस टाइम में आपको जो करना है, आपको मल्टीटास्क और गेमिंग दोनों यहाँ पे ऑफ कर देना है। उसके अलावा और एक प्रॉब्लम है जो कि पोर सिग्नल। तो फ्रेंड, आपके फ़ोन में अगर ब्लूटूथ या तो वाईफाई यहाँ पे ऑन रहता है लेकिन उसका सिग्नल यानी कि फ्रिक्वेंसी अगर कम रहता है तो फ्रेंड तब नेटवर्क सेशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो फ्रेंड, इसके अलावा और भी देखिए, आपका जो मेन सिम का नेटवर्क है इसमें अगर नेटवर्क बहुत कम रहता है यानी कि सिग्नल कम रहता है तो तब क्या करता है, आपका जो फ़ोन है उस नेटवर्क सेशन में बहुत ज़्यादा पावर को सप्लाई कर देता है उसका नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करने के लिए। तो फ्रेंड, इस टाइम में जो होता है आपका नेटवर्क सेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म हो जाता है। तो इसलिए फ़ोन के बैक साइड में बहुत ही ज़्यादा हीटिंग महसूस होता है, क्योंकि आजकल जितने भी सारे स्मार्टफोन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, लगभग 6 से लेकर 8 mm तक। तो फ्रेंड, अभी मेरे पास एक बोर्ड है और इसमें आप देख सकते हो जो प्रोसेसर और चिपसेट है इसके ऊपर एक कूलिंग पैड को यूज़ किया गया है ताकि कुछ हद तक ये हीटिंग इशू को कंट्रोल कर सकता है। तो फ्रेंड, फ़ोन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्लिम होने के वजह से आपको हीटिंग इशू जल्दी जल्दी महसूस होता है। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम है बैटरी का, क्योंकि आजकल जितने भी सारे बैटरी है वो 4000-5000 या उससे ज़्यादा एमएएच का, लेकिन यहाँ पे बैटरी का जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए कैपेसिटी ज़्यादा होने के वजह से आपका फ़ोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हीटिंग होता है। तो जब भी फ़ोन में यहाँ पे चार्जिंग इनपुट होता है तो कुछ देर के अंदर फ़ोन जो है वो हीटिंग होना चालू कर देता है। इसके अलावा आपके फ़ोन चार्जिंग पे है, आप उसमें कोई भी काम करते हो, चाहे कॉलिंग हो या कोई भी ब्राउज़र हो या कोई भी गेमिंग हो, तो फ्रेंड इस टाइम में आपके जो फ़ोन है सबसे ज़्यादा हीटिंग इशू आ जाता है, क्योंकि तब भी प्रोसेसर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर पड़ता है और बैटरी भी गर्म हो जाता है। इसके अलावा ऐसा कुछ एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रन होता है, तो फ्रेंड इसके लिए आपका जो फोन है वो हीटिंग होता है। तो फ्रेंड, वो सारे के सारे एप्लीकेशन को आपको बैकग्राउंड से रिस्ट्रिक्ट कर देना है, तो फ्रेंड आपका हीटिंग इशू थोड़ा भी यहाँ पे कम हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इंटरनेट का स्पीड। तो फ्रेंड, आपके फ़ोन में अगर इंटरनेट का स्पीड कम रहता है तो यहाँ पे फ़ोन जो है वो बफरिंग होता है। तो फ्रेंड, इस टाइम आप अगर कोई भी काम करते हो, चाहे इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करना या ब्राउजिंग करना, तो फ्रेंड इंटरनेट का स्पीड कम होने के वजह से यहाँ पे डाउनलोड होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पावर को कंज्यूम कर लेता है और आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पे हीटिंग होना चालू कर देता है। तो फ्रेंड, आपके फ़ोन में अगर इंटरनेट का स्पीड बहुत ही कम रहता है तो उस टाइम आप कोई भी चीज़ डाउनलोड मत करिए, तो फ़ोन जो है काफ़ी हद तक हीटिंग इशू होना कम हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसके अलावा और एक प्रॉब्लम है जो कि ब्राइटनेस। तो फ्रेंड, आप अगर अपने फ़ोन को हमेशा ही ज़्यादा ब्राइटनेस यानी कि फुल करके रखते हो तो उस टाइम आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पे हीटिंग होना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड, एक कुछ मेन रीज़न है जिसके वजह से स्मार्टफोन गर्म होता है। तो फ्रेंड, आप अगर आपके फ़ोन में कोई भी हैवी काम करते हो तभी आपका फ़ोन अगर गर्म होता है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फ़ोन स्टैंड बाई मोड पे है तभी भी आपका फ़ोन अगर गर्म होता है तो एक इशू है। इसके अलावा ओवरहीटिंग होना, फ़ोन अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होता है तो जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर काम करना बंद कर देता है यानी कि स्लो काम करता है, तभी फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, आपका जो स्मार्टफोन है थोड़ा सा आप केयरफुली यूज़
यूज़ करिए तो हीटिंग इशू से आप यहाँ पर राहत पा सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।